प्रभु के नाम से आप सबको आशीष मिले। आज का वचन में हम देखेंगे ट्रस्टवर्दी, भरोसामंद। लूक चैप्टर 16 10th वर्स। इस वचन में यूं लिखा गया है कि छोटी सी बात में भी, छोटी सी काम में भी अगर हम भरोसे से करते हैं तो खुदा हमें और भी बड़ा काम, बड़ी आशीष देता है। तो हम इस वचन में हम जिस प्रकार पढ़ रहे हैं तो प्रभु हमको देख रहा है एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के जैसा, ताकि हम हमारे पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, हमारे जॉब में या सोसाइटी में या चर्च में, कहीं भी जाओ, एक भरोसामंद इंसान बन के जी सके। तो हम इस वचन से देखेंगे कि हम भी एक खुदा की ओर देखते हैं, ताकि वो हमारे हर तकलीफ़ को दूर कर सके, चंगाई दे सके। जिस भी प्रॉब्लम में है हम, खुदा हमारी मदद करना, इस प्रकार हम खुदा से इंतज़ार करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसी प्रकार खुदा भी हमको देखता है। क्या हम अपने आप को अपने कॉन्शियस में देखेंगे, जो बात कहते हैं वो बात को हम निभा रहे क्या? आर वी स्टैंडिंग फॉर द वर्ड, या हम बात बदलते हैं क्या? और हम पर कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर हम बाजू वाला कोई चाबी दे के जाता, क्या हमको विश्वास करता है? या अगर हमें जो काम देता है वो मालिक हम पर विश्वास करता है, या हमारे बच्चे हम पर विश्वास कर रहे हैं, हमारे पार्टनर्स, जो भी लाइफ पार्टनर्स है, आदमी या औरत, हम एक दूसरे से विश्वासघात करते हैं या हम विश्वास से रहते हैं, ट्रस्टवर्दी रहते हैं? क्योंकि वचन 31 में भी लिखा गया है कि वो एक आदमी अपनी औरत के ऊपर विश्वास रखता है, ताकि वो पूरा घर संभाले, बच्चों को संभाले। तो उसके ऊपर, उसके कंधे के ऊपर बहुत बड़ा काम भी दिया है। तो क्या हम अपना दिए हुए काम को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को, हम सही तरीके से निभाते हैं, या हमारा वक्त को बर्बाद करते हैं, या हमारे उनका ख्याल नहीं करना, या बच्चों का नहीं ख्याल करना? इस प्रकार अगर हम अपने आप के लिए जी रहे क्या? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा ने दिया अपने माँ बाप को देखने का, अपने रिश्तेदारों के साथ मिल के रहने का, दोस्तों के साथ मिल के रहना, सोसाइटी में अच्छे इंसान बन के रहने का, खुदा का खुशबू हम फैलाने के लिए इस जीवन को दिया है। अगर हम सच्चे मन से हम अपना काम करते हैं तो खुदा कहता है कि तुम भरोसेमंद हो और हमें बहुत सारा आशीष मिलता है। हम ये कोशिश करें कि अपने आप को सच्चाई से जिए और दूसरों का विश्वास हम पाए। ये विश्वास पाने के लिए हम कितने बड़े बड़े बातें करने से या पैसों से हम विश्वास को जीत नहीं कर सकते। अगर हम विश्वासघात करते हैं, आज का दिन हम देखते हैं, चाहे कितने भी बड़े राजा हो या बड़ा रिच मैन हो या कोई भी बड़े प्रोफेशन में हो, अगर हम बात पर सच्चाई से नहीं खड़े होते हैं, हमारा इंसल्ट हो जाता है, लोग हमारा ऊपर भरोसा नहीं करते, इज्जत नहीं देते। तो आइए अपने ज़िंदगी को हम एक अच्छे इंसान, सच्चाई से जी के, अपने मन को सच्चाई से रखे, शांति से रखे, और दुनिया के लिए भी, खुदा के लिए भी एक अच्छा ट्रस्टवर्दी पर्सन बन के सबको हम एक अच्छे रास्ते में चला सके। आप सबको इस वचन से अगर आप ब्लेस हो जाते हैं तो कमेंट्स कीजिए और हमारे ये छोटी सी मिनिस्ट्री के लिए दुआ कीजिए। खुदा आपको आशीष दे।
गॉड ब्लेस यू।